हुकूमत ने कहा है कि वो अपने मुल्क की सरजमीन की हिफाजत करना खूब जानते हैं। मगर सवाल तो ये पैदा होता है कि जिन लोगों के सर खुद हमेशा जमीन पर रहते हो, वो क्या किसी सरजमीन की हिफाजत करेंगे? हुक्मरान नेटो सप्लाई बहाल करने के लिए बेहाल हो रहे हैं, गोया सर दोबारा जमीन पर। अपोजिशन वालों ने मेरे थल्ले की नहीं रखी हुई है। मौलाना एक बार फिर लुढ़क गए हैं। अरे कुर्सी से नहीं, मौलाना कभी कुर्सी से नहीं लुढ़कते, बल्कि वो तो कुर्सी के लिए लुढ़कते हैं। इस दफा उन्होंने फिर लुढ़क कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पर हुकूमती नुमाइंदे को बिठा दिया है, लेकिन खुद अभी तक लुढ़क रहे हैं। लुढ़कने में सिर्फ मौलाना ही नहीं, कुछ और लोग भी हैं जो बहुत माहिर हैं। आइए चलकर देखते हैं।
जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने, देख किधर यार ध्यान किधर है, अरे देख किधर यार ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं ये है तेरे बस का, होश में आजा ध्यान किधर है, अरे होश में आजा ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। करने के बाद भी लोड शेडिंग का वही हाल है भाई, हमारा ख्याल है कि हफ्ते में 7 छुट्टियां भी कर लें तब भी लोड शेडिंग कम नहीं हो सकती, इसके लिए मौजूदा इंतजामिया की छुट्टी करनी होगी। आवाम लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रही है और डिस्पोजेबल रिपोर्ट करने वाले क्या कहते हैं, आइए चलकर देखते हैं। अरे चले भैया चले, जल्दी चले, ऐसा नहीं कि कोई और बाजी ले जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट बबुआ। आज हम अपनी डिस्पोजेबल रिपोर्ट में जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो इशू बहुत अहम है, इतना अहम है कि अगर आपके घर में चल रहा होगा वो इशू तो आप हमारा थोबड़ा ना ही देख सकते हैं। जी नाज़रीन बिल्कुल, आप समझ तो गए होंगे हम किस इशू की बात कर रहे हैं। जी नाज़रीन बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं लाइट के इशू के हवाले से, और इस वक्त हम खड़े हुए हैं बिजली के दफ्तर के अंदर, और यहाँ कुछ लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, नारे मार रहे हैं, आइए जरा देखते हैं। अरे खुद ही आ गए भैया, जरा भैया अपना नाम बता, क्या नाम है? रोशन खान। अरे रोशन खान, जबी तो मुल्क का सारा रोशनी इधर आ गया है, अभी बताए क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हमारे घर से रोशनी गायब है, दो दिन पहले गया था अभी तक नहीं आया। ओहो भैया, आपने पैसे ना ही दिए होंगे भाभी को, तभी तो चले गए हैं भैया। वो क्या मतलब है, क्या बकबक करता पड़ा? अरे क्या बकबक कर रहे हैं भैया, ये बताएं कि कोई वजह तो होगी ना जो छोड़ के भागी है, ऐसे थोड़ी किसी की बीबी छोड़ के भागती है। क्या बकबक करता पड़ा है? मेरा बीवी नहीं भागा, दो दिन से घर में बत्ती नहीं है, हम इसके वास्ते इधर एहतजाज करता पड़ा है। माफ कीजिएगा भैया, हम समझे रोशन खान आप हैं तो रोशनी रोशनी आपकी बीवी होगी। चलो हटो इधर से, खाना खराब। अरे भैया आप लोग कहाँ हमको देख रहे हैं, चले भैया नारे मार यार, कभी भी नहीं। सिर्फ नारे लगवाने से रेटिंग नहीं आएगी, कुछ उधम करवा, कुछ जलवा, कुछ गिरवा, समझ में आई, तभी रेटिंग आएगी, कुछ नया कर, नया नया। अरे भैया आप कहाँ नया पन लेके आए, खा तो लिया हमने टमाटर। बिजली वाले मुर्दाबाद, बिजली वाले मुर्दाबाद, कुर्सी छोड़ दो बिजली दे दो, कुर्सी छोड़ दो बिजली दे दो। अरे कहा भैया हॉस्पिटल से सीधा आ रहे हैं एहतजाज करने के लिए, क्या हो गया है, कोई मसला हो गया है, कहा बचाओ गया, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, इतना ढीला ढीला नारा मार रहे हैं? अरे भैया दो दिन से घर में बिजली नहीं है इसलिए दो दिन से भूखा हूँ। हाय भैया का बिजली खाते हैं आप? अरे भाई बिजली नहीं खाते, बिजली नहीं होती तो बेगम खाना पकाने से मना कर देती है, इसलिए दो दिन से भूखा हूँ बहुत। अरे इतना भूखा आदमी एहतजाज कर रहा है भैया। अरे कहाँ हो गया भैया, कहाँ हो गया, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ भाई, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। अबे क्या कर रहा है भाई, इस दफा तो तूने रिपोर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। अबे क्या कर रहा है, इस तरह क्या खाक रेटिंग आएगी? तो क्या करें भैया क्या करें? रुक ये पकड़े एक मिनट, मैं आ रहा हूँ अभी।